देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। बेटा ए क्या है? एक्सेलरेशन, एस क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वी क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमने वीटी ग्राफ जो बनाया था बेटा, उसी से करनी है। और जो वीटी ग्राफ था बेटा, मैं दोबारा यहां ड्रा कर रहा हूं बेटे, तो वो जो ग्राफ था हमें कंचन बताना साथ के साथ, जिससे जो पूछा जाए उसी बच्चे ने बताना है। ये टाइम एक्सिस थी बेटा आपकी, दैट इज द टाइम एक्सिस। ये टाइम था बेटा, और ये क्या थी बेटा? वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी एक्सिस थी बेटा ऊपर। तो हमने बोल रहा था यू क्या होता है बेटे, जब टाइम क्या होता है? जीरो। जब टाइम जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? इनिशियल। तो टाइम जीरो ये रहा, आप मान के चलते हैं भाई ये कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी। एक पॉइंट पर कितनी, यहां तक कितनी वेलोसिटी है बेटा? यहां से यहां तक जो वेलोसिटी है बेटा वो इनिशियल है, यू है। अब बॉडी किसके साथ चली है भाई? बॉडी किसके साथ चली है बेटा? कंचन, यूनिफॉर्म पिटेगी, सॉरी पिटन के काम आ रहे, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ। और मैंने बता रखा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलते हैं तो स्लोप सीधा स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी चलिए भाई ए लो, स्ट्रेट लाइन आ गया। तो कितने टाइम पे? दैट इज द टाइम टी। कितना टाइम बेटा? दैट इज द टाइम टी। दैट इज द, यहां से यहां लग कितना टाइम लिया बेटा ने? टी लिया। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? बेटा यह वेलोसिटी कितनी होगी यहां? दैट इज द पॉइंट बी। और ये वेलोसिटी होगी बच्चे यहां से अलग, इनिशियल ओरिजिन से लेते हैं ना बेटा, वेक्टर क्वांटिटी ओरिजिन से लेते हैं। तो यहां कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल। कितनी होगी बेटा यहां? फाइनल वेलोसिटी। बेटा जब टाइम टी होता है तो वेलोसिटी हो जाती है फाइनल, और जब टाइम जीरो होता है तो वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल। टाइम जीरो ये रहा तो वेलोसिटी कितनी थी? यू। किसके साथ चली है बॉडी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप आ जाएगा। तो भाई अब यहां ए बी और ये सी, और ये पॉइंट क्या लोगे बेटा? डी। और ये जो है बेटा आप यहां, ये क्योंकि ये स्लोप था, ये एंगल था थीटा, तो ये जो ये क्या ले होगा बेटा? दैट इज ए बी सी डी ई। ये ई ले लिया, ये टी है तो ये भी क्या था? टी था बेटा। इसमें ये चीज क्या आ रही है? सुनो ध्यान से, क्या रहा है ये? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? एरिया। तो निकाल दे रहे एरिया, तो वेरी गुड। क्या निकालना बेटा आपने? इसका सारे का एरिया। एक एरिया का देना, क्यों काटना एक? कल आ रहे में दो एरिया का देने थे, क्योंकि क्या रकम थी? दो। यहां कितनी रकम है राइट में? एक। तो कितना एरिया कर रहे? एक, एक सारे का एरिया कर दो बस इसका, ट्रेपेजियम का। ये ट्रेपेजियम बेटा ओ ए सी बी, एक ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकाल दो। तो क्या लिखोगे भाई? वी नो दैट, क्या लिखोगे बच्चों? वी नो दैट भाई हम जानते हैं किस एरिया, किसका बेटा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, तो डिस्टेंस एस आ गया, एरिया किसका होगा? एरिया ऑफ किसका बेटा? ट्रेपेजियम। किसका बेटा? ट्रेपेजियम का एरिया बेटा। ट्रेपेजियम कौन सी है बेटा? कौन सी है ट्रेपेजियम? कौन सी ट्रेपेजियम है? ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। इसका एरिया निकालना बेटा, जब आप एरिया निकालोगे क्या बोले बेटा? क्या आएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या आएगा बेटा एरिया? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा? ट्रेपेजियम का एरिया होता है बच्चों एक बटा दो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ
पैरेलल साइड्स एन टू में उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा पैरेलल साइड तो या तो तुम ले ही नहीं सकते, चलो तो मान गया, चलो एक मिनट सुनो, एक या साइड ले लो और यह साइड पैरेलल है कोई नहीं, कौन कौन सी साइड पैरेलल है इसकी, एक तो ये है और एक ये है, दो साइड है किया एक या, तो ये सारी कितनी आ रहा है V, कितना ये V है, समझ गए, और ये कितना था हमारा U था। तो साइड कौन कौन सी है इसमें, सिर्फ दो साइड है पैरेलल, कौन कौन सी साइड है, OA और CD, OA और CD, अरे इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है AE, क्या आएगा AE, तो क्या बनेगा बेटा, ये क्या आ जाएगा बच्चे देखना, क्या लिखोगे आप आगे इसमें, एक बटा दो आवाई एस बराबर एक बटा दो समो पैरेलल साइड आ रहा है, क्या होगा समो पैरेलल साइड, इस साइड का वी और इस साइड का यू, क्या बन गया वी प्लस यू इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी इंटू में टी। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन आई। चलो भाई मैंने बोला था बेटा टी की वैल्यू काट दो पहली इक्वेशन से, हमने पहली इक्वेशन यूज कर रखी है, पहली इक्वेशन क्या थी रहा है वी बराबर है यू प्लस एटी, पहली इक्वेशन वी बराबर है यू प्लस एटी, यहां पर टी की वैल्यू काट दो, इस टी की वैल्यू निकाल दो भाई, वी माइनस यू बराबर क्या रहा है क्या रहा है एटी, और टी की वैल्यू काट दोगे तो क्या आएगा ए नीचे चल जाओगा, तो वी माइनस यू बाय ए, तो इसमें टेक दो बेटा टी की वैल्यू नो बनू एस बराबर क्या आ रहा है एक बटा दो, क्या आ गया बेटा वी जमा यू, टी की वैल्यू कितनी आई वी माइनस यू बटे में ए, और इसके बटे में क्या आ रहा है एक, वो कितना हो गया टू इंटू ए टू ए, नीचे कितना हो गया बताओ टू ए, नीचे कितना हो गया बेटा टू ए, कितना हो गया बेटा नीचे टू ए, अरे क्या बढ़ गया ए जमा बी ए माइनस बी, ए की दो माइनस बी की दो बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बनेगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आगे करेंगे बेटा हम इसको, देखिए अब यू टू ए नहीं डिवाइड में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा टू ए एस बराबर क्या बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया बेटा प्रूफ, क्या है बेटा ये प्रूफ आ गया, ये प्रूफ आएगा इसका, ठीक है ये था बेटा क्लियर है ये।